इंडिया 50 आप देख रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको आज की बताएंगे। अलीगढ़ में मासूम की हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा है, जहां एक और राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक के सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं घटना के विरोध में कई जगह पर प्रदर्शन हुआ। इसी से जुड़ी हुई तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीन तस्वीरों में आप नोएडा, अलीगढ़, लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। तो देश में किस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ, नोएडा और अलीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर मांग की जा रही है न्याय की, न्याय मिले इस पूरे मामले में। ना सिर्फ ये आम जनता बल्कि राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग और बॉलीवुड अभिनय से जुड़े हुए लोग भी मांग कर रहे हैं न्याय की। गुस्से में पूरा देश तो अलीगढ़ में 2.5 साल की एक बच्ची की हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। चंद पैसों के विवाद में मासूम की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। देश के हर कोने से आरोपियों के लिए फांसी की आवाज उठ रही है। मातम के इस मंजर का सच इतना खौफनाक है जिसे सुनकर आपका कलेजा थर्रा उठेगा और आप भी उन हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगेंगे। आरोप है कि पैसे के विवाद में 2.5 साल की बच्ची की बूटी बूटी कर दी गई। मैं इंसाफ चाहूँ, बेटा बेटा ऐसे करो, इंसाफ चाहिए। दोनों पुलिस ने जेल भेज दिया अम्मा। बेटा इनको फांसी चाहिए, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रही हूँ। अलीगढ़ के टप्पल में रहने वाले बनवारी शर्मा की 2.5 साल की बेटी ट्विंकल 30 मई की शाम को घर के बाहर से लापता हो गई थी, जिसका शव 2 जून को कूड़े के ढेर से टुकड़ों में बरामद हुआ। पता हमको ऐसे 2 तारीख को पता चला हुआ था, ऐसे 6:30 बजे में ऐसे झाड़ू वाले होते हैं, उन्होंने में बताया था कि बताना किसका बच्चा है, इसको कुत्ते लग रहे हैं। वहाँ पे पता चला तो वो हमारी बेटी थी और बहुत बुरी हालत थी, इसे देखा नहीं जा रहा था किसी को भी। कैसी हालत थी उसकी? हालत एक तो हाथ नहीं था इसका, कटा हुआ था और आंखों में तेजाब पड़ा हुआ था और बीच में आधे बाल नहीं थे और पास बाल हुए थे, सोए जले हुए। पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले जाहिद और असलम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों का ट्विंकल के पिता से पैसों को लेकर विवाद हुआ था। देखिए, परिवारजनों के कथन अनुसार एक विवाद हुआ था जब ये लड़की 30 तारीख को खेलने गई थी, उसके 1 या 2 दिन पहले इन लोगों के साथ विवाद हुआ था किसी पैसे को लेन देन करके, जो बात आई है सामने। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में हो रही है, पूरी प्रमाणिक आधार पर विवेचना की जा रही है और जो भी जैसी चीजें सामने आएंगी वो आपको बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, परिवार के कथन अनुसार इसमें और लोग भी संलिप्त हैं जिनकी संलिप्तता के बारे में भी विवेचना की जा रही है और जो भी इसमें होगा वो प्रमाणिक आधार पर उनको जेल भेजा जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और परिवार वालों का आरोप यह था कि थाने स्तर पर लापरवाही की गई। 31 तारीख को गुमशुदगी का केस रजिस्टर हुआ और 2 जून को लड़की का शव जो है बरामद हुआ है। परिजनों के मुताबिक हत्या में असलम और जाहिद के परिवार वाले भी शामिल थे, जिसकी जांच के लिए SIT गठित की गई है और दोषियों पर NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी है।